वट आर द वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वट इज एक्चुअली एन ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये सब क्लास हम लोग कर चुके हैं लास्ट टाइम तो जिस बच्चे ने अभी तक वो कंप्लीट नहीं किया है वो उसको कंप्लीट कर लेगा प्रीवियस लेक्चर को और मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवाए हैं आपको तो उस क्वेश्चन को आपने डिस्कस करना है नाउ टूडे आवर इंटायर लेक्चर आज का जो हमारा क्लास जो पूरा का पूरा लेक्चर है दैट इज डेडिकेटेड टू सी पी यू शेड्यूलिंग Now, everyone is aware that CPU scheduling is really very important from your examination point of view, whether it is your any paper, but the concepts are not clear, and which is why we make mistakes. Whether the concepts are not clear, then we make the mistakes, or there is another scenario that we are in a hurry and we are doing some mathematical mistakes, then also the results are not correct. So, this time we will be talking of the uh, scheduling in a इन अ वेरी सिंपल मैनर एंड वेरी इजी मैनर एंड यू पीपल है थिंग्स आपको बार बार बोला जा रहा है जो लेक्चर्स है दे आर को रिलेटेड दे आर इंटर रिलेटेड यू हैव टू प्रिपेयर द नोट अगर आप नोट नहीं बना रहे हैं तो जो लिंक्ड है आप वो रिलेट नहीं कर पाएंगे लेटर और यू कैन इंक्लूड अ फ्यू मोर क्वेश्चन बायर सेल्व यू कैन रेफर अ पर्टिक्युलर थिंग लाइक हमने आपको रेफरेंस बुक्स भी बोले हैं उसको रेफर कर यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड योर सेशन

प्रोसेस की हमें शेड्यूलिंग करनी है ये तो अब हमको सबको समझ में आ गया है दैट आर प्रोसेस रनिंग एंड वी नीड टू अब उसमें कुछ हमारे टाइम्स रिलेटेड होते हैं और वही टाइम्स हमें कैलकुलेट करने के लिए कहाँ दिया जाता है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है नाउ सपोजली देर इज अ रेडी स्टेट ठीक है एक आपका रेडी स्टेट है And and supposedly there there is is a a running state state. later on there is a complete state. जब, time related class, तो states जब भी ready state में आएंगे तो हम उसको बोलेंगे that is something known as arrival टाइम इसको हम बोलेंगे अराइवल टाइम रेडी से रनिंग में जाने में जितना टाइम लगता है क्लास उसको हम लोग बोलते हैं वेटिंग टाइम और रनिंग से उसको प्रोसेस को काम करने में जितना टाइम लगा उसको क्लास हम लोग बोलते हैं बर्स्ट टाइम राइट सो हेयर वी हैव एन अराइवल टाइम हेयर वी हैव अ वेटिंग टाइम एंड हेयर वी हैव द बर्स्ट टाइम ठीक है और यहां पर हम बर्स्ट टाइम को बोल सकते हैं दिस इज माय कंप्लीशन टाइम दिस इज माई कंप्लीशन टाइम

क्या दिमाग में रखना है आपको कि जो आपका टर्न अराउंड टाइम है दैट इज दाई कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम जब मेरा प्रोसेस का काम कंप्लीट हुआ और कब वो सिस्टम के अंदर आ रहा है उसको मैं बोलूंगी टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम ये है कि उसका जो टर्न अराउंड टाइम है उसमें से अगर मैंने बस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर लिया सो दैट इज दाई वेटिंग टाइम आई होप आई एम क्लियर यहाँ पर आपको डेफिनेशन फिर से मैंने एक बार बोल दी हैं, सो आई विल बी रीडिंग इट वांस अगेन टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाई दीपीक्यूट द होल प्रोसेस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टोटल टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम और बर्स्ट टाइम के अंदर हम लोग वेटेम टाइम को इंक्लूड

करता है एक और टाइम है छोटा सा टाइम उसको हम सुन लेते हैं यहाँ पर दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है क्लास द डिफरेंस बिटवीन द अराइवल टाइम एंड द टाइम एट विच द प्रोसेस फर्स्ट गेट्स द द इज रिस्पॉन्स टाइम इसलिए हमारे पास डिफरेंट शेड्यूलिंग है तब हम लोग को रिस्पॉन्स टाइम निकालना पड़ता है जो हम लोग आज कवर कर लेंगे दैट वी विल बी कवरिंग इंग टूडे ओनली लेकिन हम जो शेड्यूलिंग अलगोरिथम क्लास पढ़ेंगे जो भी हमारे स्टैंडर्ड अलगोरिथन है जो हमने करने है उसका पर्पज क्या है दैट इज ऑल्सो बींग आज इन द क्वेश्चन पेपर तो आपको पता होना चाहिए कि हम

सर्व करना है ठीक है तो इसमें आपको कुछ एक दो बातें नोट करनी है वो ये है वो ये है कि जो प्रोसेस जिसका मिनिमल अराइवल टाइम होता है उसको सबसे पहले सीपीयू मिलता है सो द प्रोसेस विद द मिनिमल अराइवल टाइम इज स्केड्यूल्ड फर्स्ट उसको सबसे पहले आप शेड्यूल करते हैं ठीक है और जितना अराइवल टाइम कम होगा उसको उतनी जल्दी सीपीयू मिल जाएगा इस बात का यही मतलब है जितना उसका अराइवल टाइम कम होगा उतना उसको उतनी जल्दी जल्दी क्या मिल जाएगा सीपीयू मिल जाएगा दूसरी चीज जो तो आपको एफ में ध्यान रखनी है वो ये है क्लास दैट दिस इज नॉन प्रियमटिव नॉ दिस टर्म वुड बी यूज वेरी ऑफटे नॉन का मतलब ये है अगर सीपीयू को एक बार एक प्रोसेस मिल गया जब तक उसका उसने बर्स टाइम कंप्लीट नहीं किया उसका पूरा काम उसने रन नहीं किया वो चलता जाएगा इट वुड कीप रनिंग सो दिस इज वन टाइप ऑफ शेड्यूलिंग विच इज नॉन प्रियमटिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग ठीक है अब स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे आते हैं क्लास अब क्लास आपको क्वेश्चन दिया जाएगा लाइक हेयर इज द अराइवल टाइम एंड दराइवल इज द बर्स टाइम ठीक है अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको टेक्निक बता रही हूं। ये है द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ गैंड चार्ट आपको गैन चार्ट प्रिपेयर करना है अब ये गैन चार्ट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ मैं सॉल्व करके बता दूंगी आपको गैंड चार्ट इज अ टाइप ऑफ चार्ट जिसमें हम प्रोसेसेस को रखते हैं राइट right? तो अभी आप देख रहे हैं जैसे दिस इज़ द क्वेश्चन बीइंग गिवन टू तो इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं एक मेरे पास प्रोसेस पी जीरो है दिस इज जीरो प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ और इसके कुछ अराइवल टाइम है कुछ बर्स्ट टाइम राइट तो पहले स्टेप है कि आपको ज्ञान चार्ट को प्रिपेयर करना है तो आप देखिए जो

अब P1 जो है उसका बर्स टाइम कितना सिक्स सिक्स प्लस टू इज एट देन वी है वो आया और उसका कितना बर्स टाइम है नाइन सो नाइन प्लस ट्वेल्व इज नाइन प्लस ट्वेल्व इज ट्वेंटी वन देन वी हैव P4 वेरी सिंपल नाउ ट्वेंटी वन प्लस सिक्स इज नथिंग बट थर्टी थ्री राइट right? तो इस तरीके से आपका गैन चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा ये क्लास आपको दिमाग में रखना है कि सबसे पहले आपने गैन चार्ट बनाना है आई होप दिस गैन चार्ट इज क्लियर टू यू नेक्स्ट नहीं ध्यान में रहता है तो बार बार लिखेंगे जो टर्न अराउंड टाइम था क्लास वो क्या था कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम और जो वेटिंग टाइम था वो था टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम दीज पॉइंट यू कैन राइट इट और नोट इट अगेन एंड अगेन अब आपका जो क्वेश्चन है वट एवर इज योर क्वेश्चन लेट से यहाँ पर आपकी पी आई डी है प्रोसेस का आई डी है यहाँ पर आपका अराइवल टाइम है यहाँ पर आपका बर्स टाइम है यहाँ पर आपका कंप्लीशन टाइम है यहाँ पर आपको लिखना है टर्न अराउंड टाइम और यहाँ पर आपको लिखना है वेटिंग टाइम यही आपको कैलकुलेट करना होता है राइट right? तो आपके पास है जीरो वन टू थ्री फोर जीरो फोर और अराइवल टाइम कितना दे रखा है जीरो वन टू थ्री सिक्स जीरो

तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि इसका कंप्लीशन टाइम जो है वो हो गया टू ठीक है पी वन जो है वो उसका टाइम क्या हो गया एट पी थ्री सॉरी पी टू ट्वेल्व देन पी थ्री ट्वेंटी वन देन पी फोर थर्टी

वेटिंग टाइम टाइम क्या होता है क्लास जो टर्न अराउंड उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे बस टाइम ठीक है सो टू माइनस टू इज देन एटीन माइनस नाइन इज नाइन एंड देन ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेल्व इज सेवन टीन राइट क्लियर है तो इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चन करना है और अगर आपसे एवरेज वेटिंग टाइम पूछता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछता है सो आई थिंक हेयर यू कैन हेल्प योर सेल्फ एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा जीरो प्लस वन प्लस सिक्स प्लस नाइन प्लस सेवन एंड डिवाइडेड बाई हाउ मेनी प्रोसेस बी है तो फाइव से आप इसको डिवाइड कर देंगे एंड दैट वुड बी योर आंसर राइट right? तो इस तरीके से हम लोग की फर्स्ट शेड्यूलिंग इज कंप्लीटेड मैं एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी देंगे सो इन दैट वे वी कैन कंप्लीट द थिंग्स नेक्स्ट वी हैव एन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथ में ही मैंने मर्ज किया है तो टॉपिक इज कॉन्वॉय इफेक्ट इन एफ सी हमने देख लिया पढ़ लिया समझ में आ गया लेकिन अगर कुछ

Through the road, then the other persons may get blocked until it passes completely. So the same would be simulated here in operating systems if the CPU get the processes of a higher burst time at the front, like you can see take then the process of the lower burst time they may get blocked, which means that they never get the CPU if the job in the execution has a very high,

However, if the time taken by a scheduler in context time is considered, then the average time would be, average waiting time would be increased, waiting time बढ़ जाएगा और उससे आपके system की efficiency भी खराब होएगी। So you can say context switching is an overhead for as context switching जो है वो हमारे लिए एक परेशानी की बात है, एक overhead की बात है, right? यू कैन सी हेयर अब इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में पूछता है कि आपको इसको एफ सी एफ एस से करना है लेकिन उसने यहाँ पर एक बात दे दी है कंटेक्सिचिंग ऑफ द यूनिट इज वन यूनिट गैन चार्ट वुड बी प्रिपेयर चेंज हो जाएगा तो आपको अगर ज्ञान चार्ट पूछता पेपर में तो ज्ञान चार्ट बनाएंगे अदरवाइज अकॉर्डिंगली आपसे जो भी पूछ रहा है आप अकॉर्डिंगली बना सकते अब देखिए सेम सिनारियो है लेकिन यहां पर आपको दे दिया है कि कंटेक्सट स्विचिंग का जो टाइम है कंटेक्ट स्विचिंग मतलब एक प्रोसेस से दो

वन यूनिट तो दिस इज नाइन फिर P3 से P4 में जाने से पहले एक डेल्टा आएगा एंड देन देर वुड बी P4 जो कि कितना चलेगा 14 फिर एक डेल्टा आएगा जो 14 से कितना चलेगा 15 फिर आपने P5 लिया जो 15 से कितना चलेगा फाइव यूनिट्स दैट इज 20 फिर एक डेल्टा आ जाएगा जो चलेगा 21 फिर आ जाएगा आपका P6 जो चलेगा 23 तक राइट तो देखिए एफ से ही लेकिन अगर मैंने कंटेक्ट स्विचिंग करा तो देखिए मेरा जो टाइम है वो बढ़ भी जा रहा है और आप ये भी देख सक रहे हैं क्लास मेरा जो टाइम है क्लास यहाँ पर क्वेश्चन है वो भर भी जा रहा है वो क्यों भर रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पर जो डेल्टा है वो गिवन है सो दिसज टू बी इंक्लूडेड इन दिस्टम सो दिस्टम इज गोइंग टू टेक वन यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट यूड से यू कैन राइट इट इफ यू वॉन्ट टू दैट हेयर दिस्टम एक्स्ट्रा वन यूनिट ऑफ टाइम उसको एक्स्ट्रा वन यूनिट ऑफ टाइम लगेगा जो कि हमारे लिए एक ओवरहेड ही है दिस इज एन ओवरहेड और ये कब कब कर रहा है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी प्रोसेस हर एक प्रोसेस के बाद उसके बाद उसको जब शेड्यूल करना है टू शेड्यूल नेक्स्ट प्रोसेस उसको क्या करना पड़ रहा है एक एक यूनिट एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ रहा है तो क्लास इस तरह के सिस्टम में कभी आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इन एफिशियंसी निकालिए या इस तरह के सिस्टम की एफिशियंसी निकालिए तो एफिशियंसी के लिए भी पहले आप इन एफिशियंसी निकालिएगा इन एफिशियंसी मतलब कितनी बार कंटेक्ट को मूव करना पड़ा सो यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज वन देन दिस इज देन दिस इज थ्री

राइट सो इन दिस वे यू कैन डू द तो FCFS का मतलब ये नहीं है कि एकदम छोटा राइट देन लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग दैट इज राउंड रॉबिन सो इन राउंड रॉबिन क्लास द ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन अ टाइम क्वांटम यहाँ पर आपको एक स्लाइस एक टाइम क्वांटा मिल जाता है एंड ऑल द प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड इन साइक्लिक वे हर एक प्रोसेस एक साइकिल में चलता है एच ऑफ द प्रोसेस विल गेट द सीपीयू फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टाइम हमने बता दिया उतनी देर के लिए ही प्रोसेस सिस्टम के अंदर रहेगा ठीक है एंड देन इट विल गेट बैक टू द रेडी क्यू एंड देन इट विल वेट फॉर द नेक्स्ट फॉर इट्स नेक्स्ट टर्न जब तक उसकी नेक्स्ट बारी नहीं आएगी तब तक वो चलता रहेगा दूसरी चीज इसमें नोट करने वाली बात यह है कि राउंड रॉबिन इज प्रियमटिव

And in this algorithm, every process gets executed in a cyclic way. A certain term uh, time slice is defined in the system, which is known as time quanta. And each process is present in the ready queue, which is being assigned to the CPU for that time quanta. If the execution of the process is completed during that time, then the process will terminate, or again, then it will go back to the ready queue and it will wait for its time. Turn. इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिए इट कैन बी एक्चुअली इंप्लीमेंटेड इन डिपेंडेंट नहीं है टाइम क्वांटा जितना टाइम क्वांटा बढ़ाते जाओगे उतना रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ता जाएगा जितना टाइम क्वांटा आप घटाते जाओगे उतना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बढ़ता जाएगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड उसके बाद डिसाइडिंग अ परफेक्ट टाइम क्वांटा अगर आपको एक परफेक्ट टाइम क्वांटम ढूंढना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्लास इस टाइप के शेड्यूलिंग में राइट चलिए लेट्स जस्ट प्रोसीड टाइप ऑफ क्वेश्चन अब देखिए क्लास जैसे मैंने आपको बोला है कि इसमें आपको रेडी क्यू दो आपको मेंटेन करना पड़ता है के साथ साथ आपको रेडी क्यू भी मेंटेन करना पड़ेगा तो हेर वी अ क्वेश्चन फॉर राउंड रॉबिन

अब हम हम लोग देखते हैं सपोजली रेडी क्यू अगर मैं बोलती हूँ इनिशियली टाइम जीरो पर t इज इक्वल्स टू जीरो पर t इज इक्वल्स टू जीरो पर तो मेरा सिर्फ एक ही प्रोसेस आया है देर इज अ सिंगल प्रोसेस इन माई रेडी क्यू ठीक है और ये जो प्रोसेस आया है इसका बर्स्ट टाइम है फोर लेकिन मुझे इसको जीरो से फोर यूनिट्स तक चलाना है यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है अब जीरो से क्लास फोर यूनिट्स तक देखें कौन कौन से और प्रोसेस वन वाला भी आ गया टू वाला भी आ गया थ्री वाला भी आ गया और आपका फाइव वाला भी आ गया लेकिन अभी पी वन पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी पी वन जो है क्लास वो फोर यूनिट्स तक एग्जीक्यूट हुआ लेकिन एक यूनिट रह गया है समझ रहे बात को तो अब क्या होगा आपका जो रेडी क्यू होगा लाइक दिस इज माई गैंड चार्ट लेकिन अब मेरा जो रेडी क्यू होगा वो क्या हो जाएगा P1 तो मेरा रन कर रहा है लेकिन साथ साथ मेरा P2 आ गया P3 आ गया P4 आ गया P5 आ गया क्यू में और P1 जो एग्जीक्यूट करा लेकिन पूरा एग्जीक्यूट नहीं किया वो हम इसके पीछे लेकर आते हैं क्लास ठीक है ये है मेरा क्यू अब P2 का कितना है यूनिट्स सिक्स यूनिट्स P3 का थ्री यूनिट्स P4 का वन फाइव और P1 मेरा फोर यूनिट्स चला लेकिन वन यूनिट रह गया ठीक है अब अब ज्ञान चार्ट में क्या होगा एक एक करके आएगा अब हमारा ज्ञान चार्ट देखते हैं चार्ट चार्ट देखिए क्लास क्या हो रहा है अभी मेरा पी वन जो है वो जीरो से फोर तक आया अब मुझे क्या लेकर आना है क्योंकि मेरे रेडी क्यू में क्या है नेक्स्ट P2 लेकिन P2 भी कितनी देर के लिए चलेगा सिर्फ फोर यूनिट्स के लिए तो यहां पर इसका भी टाइम टू यूनिट्स रह जाएगा तो अभी क्या चलेगा क्लास मेरा यहाँ पर आई वुड बी लेफ्ट विद P2 एंड इट वुड अगेन रन फॉर हाउ मेनी यूनिट्स फोर यूनिट्स सो दिस इज माई

पी uh, सिक्स आ गया अभी मैंने देखा मीन वाइल में और मेरा पी टू कंप्लीट नहीं हुआ तो पी टू भी इसके पीछे मैंने लगा दिया अब इनके यूनिट्स देख लेते हैं ये कितना है थ्री दिस इज वन दिस इज फाइव दिस इज वन दिस इज फोर एंड दिस इज टू ठीक है अब आपको ज्ञान चार्ट करना है अब तो ज्ञान चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि मेरे सारे प्रोसेस आ गए हैं लाइन बाय लाइन सो देर इज नो प्रॉब्लम तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब आप देख सकते हैं कि अब आपका जो ज्ञान चार्ट होगा वो कैसे बनेगा फ्टर पी वन एंड पी टू नाउ पी थ्री वुड बी एग्जीक्यूटेड तो पहले मेरा पी वन आया था क्लास जीरो से फोर तक फिर पी टू आया था फोर से एट तक अब मेरा क्या आएगा पी थ्री पी थ्री भी कितने यूनिट्स चलेगा आपके इलेवन यूनिट्स ठीक है लेकिन आपने क्या देखा क्यों ये इलेवन यूनिट्स के लिए चला क्योंकि यहां पर इसका बर्स टाइम कितना 3 एट प्लस थ्री इलेवन अब आपने ये देखा कि पी थ्री जो है क्लास वो कंप्लीट हो गया टर्मिनेट हो, तो हो जाएगा अब ये होगा और अब आप क्या देखेंगे आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है दैट इज सिंपली पी फोर दैट इज पी फोर पी फोर भी क्या है वन यूनिट दिस इज रिमूव देन पी फोर इज ऑल्सो रिमूव क्योंकि इसका भी काम जो है वो हो गया ठीक है अब उसके बाद हमारा क्या है रेडी क्यू में हमारे पास क्या बचा आप देख भी सकते हैं पी फाइव पी वन सिक्स एंड पी तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे हमारे चार्ट में क्लास कि अब क्या अब अब आ जाएगा P5. P5 कितने यूनिट्स के लिए आएगा ओनली फोर यूनिट्स तो यहाँ पर अभी इसका दिखा रहा है फाइव यानी एक यूनिट रह जाएगा राइट right? तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ये कितना चलेगा सिक्सटीन यूनिट्स के लिए और अब मेरा जो रेडी क्यू हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा क्योंकि ये पीछे मूव करेगा सो नाउ माई अपडेटेड रेडी क्यू

then P two four to eight, then P three eight to eleven, then P four eleven to twelve, then P five twelve to sixteen. अब कौन सा आ जाएगा P one क्या हो जाएगा 16 से 17 और ये मूव हो जाएगा ये हट जाएगा फिर मेरे पास P6, P2 और P5 रह जाएंगे अब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है then there would be P6 सिक्स सिंपली जो कि पूरा यूनिट्स के लिए चलेगा यानी 21 उसके बाद क्या आ जाएगा P2 ट्वेंटी थ्री उसके बाद क्या आ जाएगा क्लास पी फाइव पी फाइव पी फाइव कितना चला ट्वेंटी फोर तो ये मेरा एग्जैक्टली exactly जो है मेरा क्या बन जाएगा क्लास गैन चार्ट बन जाएगा गन चार्ट इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है और राउंड रॉबिन क्योंकि रेडी क्यू भी साथ साथ मेंटेन करना पड़ता है एज यू कैन सी द कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह का क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है ठीक है फिर से आप लिखेंगे टर्न अराउंड टाइम आपको मालूम है वट इज इट दैट इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम एंड देन वी हैव अ वेटिंग टाइम दैट इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स टाइम ठीक है तो हम अपना टेबल बना लेते हैं मैंने आपको क्या अभी बताया है क्या सिखाया है वही सिनारियो चलेगा मेरा जो प्रोसेस का आईडी है उसका जो अराइवल टाइम है उसका जो बर्थ टाइम है साथ साथ आपने लिखना है कंप्लीशन टाइम देन देर इज द टर्न अराउंड टाइम एंड देन देर इज द वेटिंग टाइम राइट तो यहां पर जो प्रोसेस है देवर वन टू थ्री फोर फाइव एंड लेट्स इधर कर लेते हैं सिक्स इधर कर लेते हैं ठीक है सिक्स अराइवल टाइम जो है जीरो वन टू थ्री फोर सिक्स दिस इज जीरो वन टू थ्री फोर एंड सिक्स बस टाइम फाइव सिक्स थ्री वन फाइव फोर फाइव सिक्स थ्री वन फाइव एंड फोर राइट अब कंप्लीशन टाइम अब देख लो P1 कब फाइनली कंप्लीट हुआ फाइनल आपको देखना तो आपने यहां पे क्या लिखेंगे इलेवन पी फोर ट्वेल्व पी फाइव ट्वेंटी फोर पी सिक्स ट्वेंटी वन ठीक टर्न अराउंड टाइम क्लास मैंने क्या बताया था आपको अभी बताया है इसमें आप क्या करेंगे Turnaround time में Completion time minus arrival time. तो इसको करिए थ्री इज नाइन देन ट्वेंटी फोर माइनस फोर इज ट्वेंटी देन ट्वेंटी वन माइनस 6 इज 15 ठीक है वेटिंग टाइम क्या बताया था टर्न अराउंड टाइम माइनस time टाइम तो करिए, अराउंड टाइम इज सेवेंटीन माइनस फाइव ट्वेल्व ट्वेंटी थ्री सिक्स नाइन माइनस वन एट देन ट्वेंटी माइनस फाइव फिफ्टीन देन फिफ्टीन माइनस फोर इलेवन एवरेज निकाल लेंगे एवरेज निकाल लेंगे ना वेटिंग टाइम का बोल रहा है या किसी का भी बोल रहा है आप निकाल लेंगे समझ में आया सो दिस इज हाउ क्लास राउंड रॉबिन वर्क आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर आप लोग को मैं समझा रही हूँ मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा इनकेस आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है आपको खुद तो सोल्व करना ही है जो मैं सोल्व कर रही हूँ तो आप मुझसे साथ साथ पूछते जाएंगे मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग नेक्स्ट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग जो क्लास आपकी है ठीक है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जैसे आपको नाम से ही दिख रहा है आपको एक चीज यहाँ पे बता दू की ये नॉन प्रियमटिव है

स्टार्वेशन प्रॉब्लम से देखिए जहां पर भी नॉन प्रियमटिव आ गया क्लास अब ध्यान रखिए उसमें स्टावेशन रहेगा ये दो क्वेश्चन बड़े इंटर रिलेटेड है और बड़े फेवरेट क्वेश्चन है बार बार पूछता है की विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सफर्स फ्रॉम स्टारेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सफर्स फ्रॉम स्टार्वेशन तो रिलेटेडली रिलेटेड क्वेश्चन वो रिलेटेड क्वेश्चन तभी करोगे ना जब आपको बेसिक समझ में आएगा

आपका सीपीयू में अगेन एक कंटेक्सट आ जाता है तो जीरो से वन में वो चलता है दैट दैट टाइम यू कैन पुट इट एज डेल्टा नो इश्यूज इन में आपको दिख रहा है कि वन में मेरा पी आई डी वन आ चुका है पी आई डी वन आ गया अभी आप जानते हैं कि ये बर्स टाइम ये नॉन प्रियमटिव है तो इसका जितना भी बर्थ टाइम है ये पूरा काम जब तक कंप्लीट नहीं करेगा ये सिस्टम में रहता है क्लास तो पी वन पूरा चला सो वॉट इज वन प्लस सेवन दट इज एट ठीक है अब एट तक आप क्या देख रहे हैं कि प्रोसेस नंबर टू भी आ गया है प्रोसेस नंबर थ्री भी आ गया है प्रोसेस नंबर फोर भी आ गया ठीक है थीके? तो प्रोसेस अब आपको देखना है थ्री फोर और यू नो टू थ्री एंड फोर आ गए हैं लेकिन जिसका अराइवल टाइम नाइन है वो अभी नहीं है उसका नाम क्या है प्रोसेस आई डी फाइव तो पी वन के बाद अब कौन सा आएगा क्लास पी वन के बाद क्लास अब आपको यहां पर देखना है आने को ये तीनों प्रोसेस आ गए बट इनमें शॉर्टेस्ट बर्थ टाइम किसका है इन तीनों में शॉर्टेस्ट बर्थ टाइम आपको चेक करना है आपने स्ट्रेट पी टू नहीं लेना है शॉर्टेस्ट बर्थ टाइम क्लास इसका है तो आपने इसको शेड्यूल करना है पहले पी थ्री को उसका बर्थ टाइम टू यूनिट्स है सो एट प्लस टू इज टेन और उसके बाद क्लास आपका कौन सा आ जाएगा ये हो गया उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा पी टू पी टू आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट उसका बर्स टाइम है और उसका बर्स टाइम कितना है थ्री सो टेन प्लस अब इसके बाद हमारे को क्या दिख रहा है कि हमारे पास ये वाला P5 प्रोसेस भी सिस्टम में आ चुका है तो इन दोनों में आपको कंपेयर करना है अब 10 और 8 में यू कैन सी ऑब्वियसली P5 वुड रन फर्स्ट सो 13 प्लस इज 13 प्लस इज ट्वेंटी uh, वन ठीक है एंड देन पी फोर अब पी फोर में आपने टेन ऐड कर दिया थर्टी right? तो इन दिस वे और इन दिस सिनेरियो चार्ट वुड बी प्रिपेयर योर स्टेप नंबर वन इज कंप्लीटेड स्टेप नंबर टू फिर से वही सिनेरियो बार बार आपको ये टेबल बनाना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है राइट पहले मेरा आ गया पी आई टी फिर आ गया मेरा अराइवल टाइम फिर आ गया मेरा बर्स टाइम फिर आ गया मेरा कंप्लीशन टाइम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम ठीक है मेरे पास यहां पर इतने ही प्रोसेस है इनका अराइवल टाइम बताओ वन थ्री सिक्स सेवन नाइन वन थ्री सिक्स सेवन नाइन बर्स टाइम सेवन थ्री टू टेन एट सेवन थ्री टू टेन एट कंप्लीशन टाइम कहां से पता चलेगा ज्ञान चार्ट से पता चलेगा देखिए पी वन जो है आपका क्लास वो कब कंप्लीट हो रहा है आपका एट यूनिट्स पर पी टू पी टू हो रहा है थर्टीन पर पी थ्री टेन पी फोर थर्टी वन पी फाइव ट्वेंटी वन टर्न अराउंड टाइम क्लास मैंने आपको क्या बताया था द वॉजला आपको बार बार उस फॉर्मूला को लिख लेना है कि टर्न अराउंड टाइम क्या है और एक और चीज वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम ये बार बार लिखिए ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए जस्ट अ मोमेंट कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम और आपका वेटिंग टाइम जो है वो क्या था टर्न अराउंड टाइम जो भी आपका टर्न अराउंड टाइम है माइनस फर्स्ट टाइम ठीक है तो आप इसको निकाल सकते हैं क्लास पहले टर्न अराउंड टाइम मुझे निकालना है तो ये क्या होगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम सो एट माइनस वन इज सेवन थर्टीन माइनस थ्री इज टेन टेन माइनस सिक्स इज फोर थर्टी वन माइनस सेवन इज ट्वेंटी देन ट्वेंटी वन इज 12, ठीक है. कैसे निकलेगा? आपको turnaround time में से थ्री सेवन फोर माइनस टू टू ट्वेंटी फोर माइनस टेन फोर्टीन देन ट्वेल्व माइनस एट दट इज फोर हो गया अब इसका अकॉर्डिंगली अपना आप हिसाब से क्या कर सकते हैं एवरेज अगर टर्न अराउंड टाइम पूछता है तो टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं एवरेज टाइम टाइम पूछता पूछता है sorry, waiting time पूछता है सॉरी वेटिंग आप वो निकाल कर शो कर शो सकते हैं ठीक है सो वी हैव कंप्लीटेड थ्री टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग लेकिन ये अभी हमने जो एसडीएफ पढ़ा है इसका हमने नॉन प्रियमटिव वर्जन पढ़ा है क्लास नेक्स्ट इज द प्रियमटिव वर्जन सो क्लास प्रियमटिव वर्जन को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट

Example से ज़्यादा समझ में आएगा अभी सिर्फ सुन लीजिए ऑफ़ प्रोसेस सेव्ड इन क्वेश्चन ये मेरा क्वेश्चन है क्लास एक प्रोसेस आईडी है उसका कुछ अराइवल टाइम है और कुछ बर्स टाइम है अब हमारा फर्स्ट काम है कि हमें क्या बनाना है क्लास ज्ञान चार्ट

ठीक है अब P2 जो है अब मान लीजिए ये चल रहा था अब चल रहा था लेट से सेकेंड इंटरवल टाइम पर P3 आया और P3 का आप जब कंपेयर कर रहे हो तो इसका भी बर्स्ट टाइम कम है तो आपने यहां पर इसको प्रियम्प्ट करना है इस प्रोसेस को और P3 को कंट्रोल देना है ठीक है अब P3 जो है वो चल रहा है और चलते चलते थ्री पर जब वो आया लेट से जब वो थ्री पर चला लेट से थ्री पर तो थ्री पर एक प्रोसेस आया लेकिन अभी दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे एक वो चल चुका है अभी दोनों का क्या है इक्वल है लेकिन पहले कौन सा चलाऊंगी पी फोर क्योंकि मैंने अभी देखा है कि उसका सिर्फ टाइम इंटरवल क्या है वन तो P4 फोर आ गया अब पी फोर तो मेरा इस सीनारियो से पिक्चर से हट ही गया ठीक है ना पी थ्री जो है मेरा इस पिक्चर से हट ही गया ये भी हट गया मेरा P3 भी हट गया ये भी हट गया लेकिन मेरा अभी P2 नहीं हटा है और मैं क्या देख रही हूं कि जो P6 है P6 P2 मेरा कितना चला है क्लास एक ही यूनिट के लिए चला है दैट हैीन्स यहां पर वैल्यू हो गया थ्री ठीक है और P1 जो है वो मेरा कितना चला है वो भी एक यूनिट के लिए चला है यहां पर वैल्यू हो गया सेवन अब जब सारे के सारे आ गए फिर आपको बर्स्ट टाइम चेक करना है तो बर्स्ट टाइम जब मैं चेक करूंगी पी के बाद तो अभी देखिए सेवन है फिर ये थ्री है फिर ये थ्री है फिर ये टू है तो सबसे कम तो पी सिक्स का ही है ना तो पी सिक्स को चला दीजिए तक, तक, ठीक है अब I mean. so अब ये ये से से भी हट हट गया, अब ये पिक्चर से जब गया जब तो अब आपके पास जब P2 आ गया और P5 आ गया और उन दोनों का बर्स्ट टाइम चेक कर रहे हैं वैन इट इज इक्वल आपने इसको एफ सी एफ एस के फैशन में लेना है आपने पहले P2 को रन करना है दिस इज द रूल ठीक है कितने यूनिट चलेगा थ्री यूनिटेन हो गया इसको भी पिक्चर से हटा दो जो जो होता जाएगा उसको पिक्चर से मूव करते जाइएगा देन वी हैव टू रन p5 ये कितने यूनिट चला 3 यूनिट्स तो ये हो गया 18 ये पिक्चर से हट गया नाउ p1 would be run uh, would be there to run in it would run for 7 units कितना हो गया 20 units यस और नो ऐसे ही होगा ना इज इट क्लियर सॉरी अब क्लास हम क्या करेंगे इसका फिर से टेबल बनाएंगे वी हैव टू रिक्रिएट दगैन एंड अगैन आपके पास है पी आई डी आपके पास है अराइवल टाइम आपके पास है बर्स टाइम आपके पास है कंप्लीशन टाइम आपके पास है टर्न अराउंड टाइम आपके पास है वेटिंग टाइम ठीक है आपको वेटिंग टाइम जो है वो भी इसमें इंक्लूड करना है तो चलिए कितने मेरे प्रोसेस थे बना लेते हैं उसको सिक्स के सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अराइवल टाइम फटाफट जीरो वन, टू, थ्री, फोर फाइव ठीक है जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव बस टाइम एट फोर टू वन थ्री टू एट फोर टू वन थ्री टू कंप्लीसन देखो भाई ज्ञान चार्ट से पी वन का ट्वेंटी पी टू का

तो क्लास ये तो मैं कर रही हूं, लेकिन आपको भी साथ साथ है, को करते रहना है अगर आप क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा राइट right? अब अगर अगर मान लीजिए क्लास अगर इसके साथ में एक और कॉलम बढ़ा देती हूँ रिस्पॉन्स टाइम का किस किसको सबसे पहले सीपीयू मिल रहा है लाइक लेट से जब मैं पी की बात कर रही हूँ तो पी को जीरो इंटरवल पर मिल जा रहा है अगर मैं पी टू की बात कर रही हूँ तो पी टू को वन पे मिल जा रहा है अगर मैं पी uh, थ्री की बात कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं गैंट चार्ट से ही दिख रहा है आपको P4 को किस पर मिल रहा है फोर पर देखिए रिस्पॉन्स टाइम इज द फर्स्ट टाइम द सीपीयू इज बीन गिवेन टू द प्रोसेस देन वी हैव पी फाइव पी फाइव को कब मिल रहा है सबसे पहले कब मिला टेन यूनिट्स पर तो अगर आपसे ये भी टेबल में पूछा जाता है तो आप निकाल सकते हैं और बता सकते हैं किसका मिनिमम रिस्पांस टाइम है किसका मैक्सिमम रिस्पांस टाइम है और P6 को आप देख सकते हैं जब फर्स्ट टाइम सीपीयू मिला दैट इज तो चाहे तो एक ये कॉलम भी आप इंक्लूड कर सकते हैं ठीक है आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर एंड पीपल आर गेटिंग द थिंग्स मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्लास आपको क्वेश्चन जो है उसको खुद से करना है ये सब क्वेश्चन जितने भी करवाए जा रहे हैं ये सारे आपको खुद से करने हैं नहीं करेंगे तो आप फिर फंसेंगे और बार बार फंसते ही रहेंगे एंड दिस इज अ वेरी स्कोरिंग यू नो टॉपिक सो नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इसमें तो हमको पूरे के पूरे नंबर लेने ही लेने और इसमें हमें पता ही है कोई ना कोई शेड्यूलिंग आना ही आना पेपर में ठीक है सो यू कैन नॉट मिस दिस पर्टिकुलर लेक्चर यू कैन नॉट स्किप वैसे तो यू कैन नॉट स्किप एनी लेक्चर बिकॉज यू वॉन्ट टू बी इन द कॉम्पिटिशन सक्सीड यू नीड टू क्रैक द एग्जामिनेशन यू हैव टू स्टडी हार्ड अकॉर्डिंगली राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल है आपको अराइवल टाइम और बर्स टाइम दे रखा है आपको एवरेज वेटिंग टाइम सिस्टम का निकालने को क्वेश्चन पूछता है यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम आपको पता है आपको सबसे पहले स्टेप है आपको क्या बनाना है क्लास ज्ञान चार्ट बनाना है अब आप देख सकते हैं जब अराइवल टाइम है क्लास तो मेरा P1 आता है और इसका बर्स टाइम चल रहा होता है लेकिन यहाँ पर क्या है कि वन पर मेरा सेकेंड प्रोसेस भी आ रहा है ठीक है तो ये वन तक चला और मेरा सेकेंड प्रोसेस आया और मैंने देखा जब इसको कंपेयर करा तो P2 जो है इट कैन रन उसका बर्स टाइम कम है तो P2 को हमने पूरा रन कर दिया फोर यूनिट्स को एड करोगे तो दिस वुड बी फाइव राइट देन आपको जो नेक्स्ट करना है आपने यहां पर देखा दिस इज मूव्ड ये जो है इसको हमने यहाँ से हटा लिया है अब आप देखेंगे यहां पर आपके सिस्टम में P1 भी है और P2 भी अब P1 तो हमारे यहाँ पर एक यूनिट चला था दैट मीन दिस इज एट यूनिट्स अब एट और नाइन में क्लास पहले क्या चलेगा बर्स टाइम जिसका कम होगा तो बर्स्ट टाइम जिसका कम है वो कोई नहीं जबकि पी ही है सो वट इज फाइव प्लस एट दैट इज थर्टीन देन ये जब हमारा मूव हो गया उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है

टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम आपको तो पता है यहाँ पे तीन ही प्रोसेस है प्रोसेस वन प्रोसेस टू एंड प्रोसेस थ्री प्रोसेस वन टू थ्री कबर आए हुए हैं जीरो आप देख सकते हैं पी वन जो है वो कंप्लीट होता है थर्टीन यूनिट्स पर पी टू कंप्लीट होता है फाइव यूनिट्स पर और पी थ्री जो है वो कंप्लीट होता है ट्वेंटी टू यूनिट्स पर

So accordingly, the question, the examiner would mention what what type of uh, system they are following. So do not worry about it. Now the process with the higher priority among the available processes is given to the CPU. Now there are two types of priority algorithms. Ek hota hai preemptive. Isme may be preemptive priority hota or one hai non-preemptive. Right? Now the priority number assigned to each of the process may or may not vary. If the priority number does not change throughout the process, then it is known as static priority. अगर प्रायोरिटी सिस्टम में चलते 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 चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम स्टैटिक प्रायोरिटी बोलते हैं क्लास लेकिन अगर वो रेगुलर इंटरवल्स पे चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग डायनेमिक प्रायोरिटी बोलते हैं राइट गेटिंग द पॉइंट चलिए अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हमें क्या करना है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है नॉन प्रियमटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को हम एक बार सॉल्व कर लेंगे राइट right? जस्ट सेकेंड यस क्लास अब हमें क्या करना है नॉन प्रियमटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को फॉलो करना है लेकिन पहले मैं आपको बता दूं दैट इन नॉन प्रियमटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग द प्रोसेस आर शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी नंबर वन नोस नो वंस द प्रोसेस गेट्स एस जैसे ही प्रोसेस शेड्यूल्ड हो जाएगा इट विल रन टिल द कंप्लीशन। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो क्योंकि प्रायोरिटी के साथ साथ ये भी देखना है, है। मैंने तो so right? दे इसमें दे रहा है सेवन प्रोसेस पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव पी सिक्स पी सेवन इनकी कुछ प्रायोरिटी है अराइवल टाइम बर्थ टाइम के साथ अब क्या आ गया क्लास प्रायोरिटी भी इन्वॉल्व हो गया है आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखो सबसे पहले तो आपको पता है फर्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर द चार्ट अब आप देखिए देखिए बड़े ध्यान से और समझने की कोशिश करिए वो ये है जब मेरा होता है, तो ठीक है अब पी प्रोसेस का जितना भी बस्त टाइम में होगा क्योंकि ये नॉन प्रियमटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है क्लास तो ये पूरे थ्री यूनिट्स के लिए चलेगा ये चला अब ये तो चल गया इसकी तो Uh, कहानी खत्म इसको हटा देना पिक्चर में से अब देखिए जब ये चला तो ये थ्री यूनिट्स तक चला थ्री यूनिट्स तक आपको क्या क्या दिख रहा है अब आपका अराइवल टाइम P2 भी आ गया है और P3 भी आ गया अब P2 और P3 के अंदर आप क्या देख रहे हैं जो बर्थ टाइम जिसका कम है वो है P3 कौन है वो P3 P3 को मिला जैसे ही सिस्टम को मिल गया तो क्या करेगा वो पूरा उतने टाइम के लिए चलेगा सो वट इज थ्री प्लस फोर दैट इज नथिंग बट सेवन अब अब सेवन तक आपने देखना है कि अब आपके कौन कौन से प्रोसेस आ गए हैं अब आप देख रहे हैं नाउ दिस इज ओवर ये तो खत्म ठीक है अब आप क्या देख रहे हैं जब सेवन यूनिट चला तो फोर पर मेरा फोर आ गया सिक्स पर मेरा ये आ गया फाइव पर मेरा सिक्स आ गया और सेवन पर मतलब सारे प्रोसेस आ गए अब आपको सब में कंपेयर करना है ठीक है ना अब आपको जब सब में कंपेयर करेंगे तो आप देख ही सकते हैं कि जिसका मिनिमम है वो कौन सा है प्रोसेस जो मिनिमम है पी थ्री के बाद दैट वुड बी पी पी फोर होना चाहिए अच्छा अब आप देखिए अब आप जब इसको देखेंगे क्लास अब आपको मैं एक चीज बता रही हूं बड़े ध्यान से देखने वाली जब आप यहां पर बर्स टाइम कंपेयर कर रहे हैं तो आप सिर्फ बर्स टाइम कंपेयर नहीं करेंगे अब आप पैरली इसकी प्रायोरिटी चेक करिए अब देखिए सब प्रोसेस आ गए हैं अब जो सेवेंथ प्रोसेस है इसकी प्रायोरिटी क्या है क्लास टेंथ है नहीं देखना सबसे मिनिमम प्रायोरिटी वाला देखो सबसे मिनिमम प्रायोरिटी कौन सी है फॉर तो अब आपने मिनिमम प्रायोरिटी भी चेक करना है और ये जब प्रायोरिटी चेक किया तो आपको तो लग रहा है टाइम इसका कम है 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 लेकिन इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई ठीक ना तो जब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई है तो हम इसको रन नहीं करेंगे क्लास हमें वो वाला रन करना है जिसकी है जिसकी प्रायोरिटी कम तो हे द प्रायोरिटी वुड बी इज लेस ऑफ पी सिक्सिक्स वुड बी स्केड्यूल्ड फर्स्ट तो यहां पर क्लास पहले पी सिक्स चलेगा चलेगा मतलब पूरा ही चलेगा यानी फोर यूनिट्स के लिए पूरा चलेगा सेवन प्लस फोर इज इलेवन ये पूरा रन हो गया समझ में आ रही है बात अब आप देखिए अब नेक्स्ट हो जाएगा किसकी है? है, P4, की. तो P4 को चलाएंगे और वो हम इसलिए तो हो गया ये भी कहानी हो गई अब आप देखिए अब नेक्स्ट आपको प्रायोरिटी देखना है तो नेक्स्ट प्रायोरिटी किसका आता है पी का और P2 का बर्स्ट टाइम से आप देख रहे कम भी है सो दैट वुड बी P2 डेफिनेटली दैट इज 13 प्लस फाइव इज 18 तो अब ये भी हट गया पिक्चर से इसको भी साथ साथ हटा दिए अब उसके बाद क्या आएगा P5 और P7 में से कौन सा आएगा आप देख सकते हैं प्रायोरिटी इसकी कम है इसका बर्स टाइम भी देखिए जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसके बर्स, बर्स टाइम ऑटोमेटिकली कम ही मिलेगा ऐसा प्रॉब्लम आएगा नहीं आपको ठीक है नॉन प्रियमटिव वाले सिचुएशन में आगे और प्रॉब्लम आएगा पी जो है अब वो चला वो कितना चला नाइन एड करो इसमें ट्वेंटी uh, उसके बाद पी चलेगा थर्टी ये आपका बनेगा क्लास फाइनल ज्ञान चार्ट दिस वुड बी योर फाइनल ज्ञान चार्ट समझ में आ रही है बात ठीक है फिर से मैं आपको टेबल जरूर बना के दिखाऊंगी इसका टेबल इज मस्ट फॉर एनी टाइप ऑफ शेड्यूलिंग टेबल इज मस्ट आ गया यहां पर प्रायोरिटी दिया था उसने प्रायोरिटी भी इन्वॉल्व किया आपने यहां पर टाइम आ गया यहाँ पर बस टाइम आ गया यहाँ पर कंप्लीशन टाइम आ गया यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम आ गया यहाँ पर वेटिंग टाइम आ गया चाहो तो एक और डाल सकते हो रिस्पॉन्स टाइम डालना है तो डाल लेना One हो गया प्रोसेस 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 नंबर 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 वी हैव क्या seven. ठीक है अब प्रायोरिटी कितनी थी भाई इसकी एक मिनट टू सिक्स थ्री फाइव सेवन फोर टेन टू सिक्स थ्री फाइव सेवन फोर एंड टेन अराइवल टाइम जीरो टू वन फोर सिक्स फाइव सेवन जीरो टू वन फोर सिक्स सेवन टाइम थ्री नाइन फोर टेन थ्री फाइव फोर टू नाइन फोर टेन चलिए कंप्लीशन टाइम गैंड चार्ट से फटाफट देखिए P1 का कितना है थ्री P2 का कितना है अठारह एटीन ठीक है जी टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करिए थ्री माइनस जीरो थ्री एटीन माइनस टू सिक्सटीन दैन सेवन माइनस वन सिक्स थर्टीन माइनस फोर 9 then this is 21 then 11 minus 5 6 37 minus 7 30 waiting time kya turn turnaround time minus bus time So, okay. 3 minus 3 0 16 minus uh, 5 is 11 6 minus 4 is 2 9 minus 2 is 7 21 minus uh, 9 is 12 this is 2 and this is 20 uh, sorry this is 2 and this is 18 this is 18 ठीक है ठीक है ना ठीक है अब हमें रिस्पांस टाइम देखना है गाइस अब एक-एक प्रोसेस का रिस्पांस देखो p1 को सबसे पहले cpu कब मिला जीरो पर तो आप लिख सकते हो इसको p2 को कब मिल रहा है p2 को कब मिल रहा है 13 पर तो ये आप फर्स्ट टाइम देखकर लिख सकते हैं P3 को थ्री पर नेक्स्ट इलेवन पर नेक्स्ट सारा काम आपका GAN चार्ट से होता है पूरा इंटायर वर्क सो यू कैन सी हाउ इंपॉर्टेंट इज योर गैन चार्ट विदाउट गैन चार्ट यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अब एवरेज वेटिंग टाइम क्लास आई थिंक यू पीपल कैन कैलकुलेट आपको कुछ नहीं करना ये जो वैल्यूज है इसको प्लस करके डिवाइड कर देना विद द नंबर ऑफ प्रोसेसेस ठीक है आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर एंड यू पीपल आर ऑल्सो गेटिंग थिंग्स चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट है क्लास प्रियमटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग अब आपको क्या करना है क्लास अभी तक आप नॉन प्रियमटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कर रहे थे अब आपको प्रियम्प्ट भी करना है सो so यहां पर सिचुएशन क्या हो रही है इन प्रियमटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्लास वट इज दिनारी

चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं प्रायोरिटी है अराइवल टाइम है बर्थ टाइम है ठीक है दिस इज द क्वेश्चन यू कैन रिमूव दिस एज ऑफ नाउ वो बस इतना बताने के लिए कि ये लोएस्ट है इसलिए लिखा है और ये हाईएस्ट है तो अकॉर्डिंगली आपको चलना है तो ये इसीलिए बता रखा है एल एल एच इसमें कुछ नहीं है आपको ज्यादा देखना नहीं है आपको सिर्फ ज्ञान चार्ट बनाना है चलिए ज्ञान चार्ट बनाएंगे वां. अब देखो ज्ञान चार्ट कैसे बनेगा देखिए एट द टाइम जीरो जब टाइम जीरो था तो कौन सा प्रोसेस आया आपके सिस्टम में P1 कौन सा आया है P1 और P1 कितनी देर चला वन यूनिट्स के लिए उसका बर्स्ट टाइम ही वन था कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसको हटा दीजिए पिक्चर्स अब अब देखिए वन अराइवल टाइम पर P2 भी आया है नाउ वी हैव नो चॉइस अगर P2 आ रहा है तो उसको हम रन करेंगे लेकिन P2 को क्लास हम सिर्फ एक यूनिट तक करेंगे ये चेक करने के लिए कि कोई सेकेंड यूनिट पर तो नहीं आया सेकेंड यूनिट पर पी भी आ गया तो P3 जब आ गया तो हमने प्रायोरिटी चेक करी दोनों की तो हमने देखा भाई इसकी प्रायोरिटी कम है यानी इसको पहले मिलना चाहिए था तो हमने इसको पहले दे दिया प्रोसेस को दे दिया P3 अब इसको इसका क्या ड्यूरेशन है थ्री यूनिट्स तो थ्री यूनिट्स आप इसको चला देंगे फाइव यूनिट्स तक तो ये आपका पिक्चर से रिमूव हो गया अब फाइव यूनिट्स में क्या हुआ क्लास ये ये और ये भी आ गया आपके प्रोसेस अब आपको चेक करना है इनके बीच में कंपेरिजन करना नाउ यू हैव टू Compare. अब आप जब देखेंगे क्लास इसकी प्रायोरिटी तो सबसे ज्यादा है भूल जाओ इसको इसकी प्रायोरिटी पी फाइव हमने ले लिया अब पी फाइव का बर्स्ट टाइम कितना 5, 5, 5, 5, 5, कितना हो गया क्लास टेन इसको पिक्चर से हटा दो हटाना बहुत जरूरी है जैसे करवा रही हूं वैसे करना बहुत जरूरी है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तभी एग्जाम में क्लियर कर पाओगे ठीक है आप पी फाइव पे चलेंगे अब जब मैं चल रही हूँ कि इसकी प्रायोरिटी नेक्स्ट सॉरी पी फोर की प्रायोरिटी जो है उससे ज्यादा है तो उसको दे दीजिए सीपीयू अब जब मैंने इसको दिया सो दिस इज ये भी मूव कर दीजिए पिक्चर हट गया अब उसके बाद आपने क्या करना है अब आपने क्या देखा कि अब आपका ये वाला प्रोसेस भी आ गया है और ये वाला और प्रोसेस भी है सब प्रोसेस तब कौन सा चलेगा ऑब्वियसली पी टू चलेगा ऑब्वियसली पी टू विल बी देयर फॉर सेवन यूनिट्स सॉरी uh, एक यूनिट तो पहले चल गया तो अब आपका कितना हो गया ट्वेंटी टू तक हो गया अब कौन मिलेगा देखिए अब आप देख रहे हैं कि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली मिलेगा इज फॉर इसको हटा दो तो, कितना हो गया uh, P7 जो चला वो ट्वेंटी टू प्लस एट हो गया थर्टी अब उसके बाद आपका चलेगा पी सिक्स पी सिक्स की लास्ट प्रायोरिटी थी फिफ्टीन यूनिट्स जो चलना था पी सिक्स चलाया तो हो गया फोर्टी फाइव नाउ योर गैंड चार्ट इज रेडी क्लास नाउ योर गैन चार्ट इज रेडी समझ में आ रही है बात अब मेरे ख्याल से तो आप लोग को अब कर लेना चाहिए कि अब आप अपने आप ही यहाँ पर टेबल खुद से बनाकर कर सकते हैं बट लाइक आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक यू पीपल वुड बी डूइंग तो एक बार मैं कर दे रही हूँ फॉर वन टाइम आई एम डूइंग बट अगर आप कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा सो फॉर वन टाइम आई कैन डू इट फॉर यू पीपल जबकि आपको खुद अब आप ये कर लेना चाहिए ठीक है अब आप आपका प्रोसेस हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन ही प्रोसेस थे पर आई टी बताओ भाई टू सिक्स थ्री फाइव थ्री टेन नाइन टू सिक्स थ्री फाइव फोर टेन नाइन अराइवल जीरो वन टू थ्री फोर

Completion time 1 next 22 next 5 next 16 next 10 next 45 and 30 ठीक है टर्न अराउंड टाइम क्लास कैसे निकलता है बार बार बताया जा रहा है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम ठीक है सो वन माइनस जीरो वन ट्वेंटी टू माइनस वन इज 21 5 minus 2 is 3 then 16 minus 3 is 13 then 10 minus 4 is 6 then 45 minus 5 is 40 30 minus 6 is 24 waiting time kesa niklega class waiting time kesa niklega avya kovata the turnaround time minus first time so 1 minus 1 0 21 minus 7 14 then this is again 0 3 minus 3 13 minus 3 is 7 6 minus 5 1 40 minus 15 20

जा, जा, 63. समझ में आ गई बात? I hope I am making myself clear और इस तरीके के 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 आपके आपके सारे के सारे जो जो है आपके पेपर के लिए जो important है 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 लिए मैं आपको आपको बता दे रही हूं। आपको करना बहुत जरूरी है ये सब है, ठीक है? तो अभी तक हम लोग कर चुके हैं अभी हमारे पास एक और टाइप ऑफ शेड्यूलिंग है एंड दैट वुड बी द लास्ट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग फॉर द डे सॉरी दैट इज हाइएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो

ठीक ठीक है 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 आई आई थिंक एम मेकिंग सेल्फ क्लियर अब अब आप देखिए ये आपका क्वेश्चन इसमें थोड़ा चेंज है देखिए जब आपको गैंट चार्ट बनाना है देखिए प्रोसेस अराइवल टाइम है और बर्थ टाइम है जब आप टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो देखेंगे ना क्लास तो आप क्या देख रहे हैं कि पी जीरो मेरे सीपीयू में आ गया पी जीरो मेरे सीपीयू में आ गया और उसका बर्थ टाइम कितना है थ्री यूनिट्स तक ठीक है, थीक है? अब थ्री यूनिट्स तक आपने मीन वाइल देखा कि और कौन कौन से प्रोसेस आए हैं तो आपने देखा थ्री यूनिट्स तक सिर्फ पी वन जो है वो आ गया है और दिस विल बी दिस विल गेट स्केड्यूल्ड क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है ना उसके पास पी वन को फटाफट करेगा क्योंकि उसके पास कोई चॉइस है ही नहीं तो उसको लेना ही उसको है और उसका बर्स्ट टाइम फाइव एड कर लिया दैट इज एट अब यहां पर आप बात देखिए अब एट टाइम में क्या हुआ क्लास पी टू भी आ गया ये तो पूरा रन हो गया इसको हटा दो पिक्चर से जो होता जाता तो है उसको हटा दो अब देखिए एट यूनिट टाइम पर ये भी आ गया पी टू भी आ गया पी थ्री भी आ गया पी फोर भी आ गया अब आपको क्या करना है अब देखिए अब आपको क्या करना है आपको ध्यान रखना है अब आपको क्लास निकालना पड़ेगा रिस्पॉन्स रेशो क्या निकालना पड़ेगा रिस्पॉन्स रेशो और रिस्पॉन्स रेशो आपको पी टू का भी निकालना है पी थ्री का भी निकालना है पी फोर का भी निकालना है पी टू का कैसे निकलेगा पी टू का मैंने अभी ऊपर आपको फॉर्मूला दिया है दैट इज वेटिंग टाइम प्लस द बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाई दिस और यू कैन डू लाइक दिस अब वेटिंग टाइम कैसे निकलता है वेटिंग टाइम क्या होता है जो भी इसका कंप्लीशन टाइम है पी का पी का जो कंप्लीशन टाइम है पी का अगर मैं बात करती हूँ ठीक है तो पी का कितना है दैट इज यू कैन से सो एट माइनस दिस इज फोर सो यू कैन से जितना भी इसका वेटिंग टाइम है दैट इज फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर सो दैट द्लस फोर इज एट डिवाइडेड बाई दिस इज टू P3 का हम निकालेंगे P3 का कैसे निकलेगा P3 का कैसे निकलेगा दैट इज टू टू दे टाइम दट इज वन डिवाइडेडेड बाई वन इज नथिंग बट थ्री देन वी हैव पी फोर पी फोर का क्या हो जाएगा दिस इज जीरो प्लस टू डिवाइडेड बाई टू दैट इज वन तो आपने क्या दिखा क्लास आपको रिस्पॉन्स रेशो निकालना है ठीक है तो रिस्पॉन्स रेशियो आपने कैसे निकाला है आपने तीनों प्रोसेसिस का निकालना है पी टू का भी निकालना है पी थ्री का भी निकालना है पी फोर का भी निकालना है तो आपने क्या करना है आपने 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 ये formula के अंदर पुट किया और आपने तीनों की ratios निकाली अब आपने क्या देखा आपने ये देखा क्लास दैट द रिस्पॉन्स रेशो ऑफ होम ऑफ पी थ्री इज हायर ठीक है सो दैट वुड बी स्केड्यूल्ड फर्स्ट तो अब आपका क्या हो जाएगा गैंड शॉट पी वन पी नॉट जो चला है जीरो से थ्री तक फिर पी वन चला है एट यूनिट्स तक अब कौन सा चलेगा पी थ्री चलेगा पी थ्री जो है अब वो आपका चलेगा इसका तो बस टाइम एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर चला 9 तक अब आपको फिर से रिस्पॉन्स निकालना है किसके लिए पी टू के लिए क्योंकि पी टू अभी तक रन नहीं हुआ और फिर अब आपको रिस्पॉन्स रेश निकालना है क्लास पी फोर के लिए तो पी टू का अब क्या हो जाएगा पी टू वुड नाउ बी फाइव प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर

ये टू को पिक्चर से हटा दो नाउ वी हैव द ओनली चॉइस दैट इज P4 तो आपने उसको रन कर दिया और जो P4 है वो आपका कितना चल रहा 3 टू रह, यूनिट्स के लिए हट गया नाउ दिस इज 15 राइट सो इन दिस वे क्लास यू कैन वेरी इजीली क्रिएट योर गैंट चार्ट आप इस तरीके से अपना गैंट चार्ट जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं समझ में आ रही है बात ज्ञान चार्ट आपने कैसे निकालना है आपको बार बार रिस्पॉन्स रेशो निकालना होता है रिस्पॉन्स रेशो जैसे अभी हमने इस सिचुएशन पर देखा था इस सिचुएशन में पी टू जो है वो कहां पर कंप्लीट हो रहा है like, say, उसका जो कम्प्लीशन मतलब टाइम है वो मिला दैट इज फोर दैट इज नथिंग बट फोर फोर प्लस फोर बर्थ टाइम को एड किया डिवाइडेड बाई द बर्स्ट टाइम दैट इज टू लाइक वाइज आपने पी थ्री के लिए निकाला लाइकवाइज आपने पी फोर के लिए निकाला आपने सबके लिए निकाला राइट right? तो जब आपने सबके लिए निकाला क्लास उसके बाद आपने चेक करना है कि किसका जब चार्ट नहीं अब जब ज्ञान चार्ट रेडी हो गया सब कुछ रेडी हो गया आप क्या करना है क्लास आपको पता है आपको फिर से एक चार्ट बनाना है एक होगा आपका पी एक होगा आपका अराइवल टाइम एक होगा आपका बर्फ टाइम एक होगा आपका कंप्लीशन टाइम एक होगा आपका टर्न अराउंड टाइम एक होगा आपका वेटिंग टाइम जो कि आप अपना गैन चार्ट से देख के बहुत इजीली बना सकते हैं लेकिन गैन चार्ट इधर बनाना कैसे है इधर आपको बार बार रेस्पॉन्स रेशो कैलकुलेट करनी है ठीक है अराइवल टाइम बता दीजिए जीरो टू फोर सिक्स एट जीरो टू फोर सिक्स एट बस टाइम थ्री फाइव फोर वन टू थ्री फाइव फोर वन टू कंप्लीशन टाइम चार्ट में देखिए 3, 8, then 13, 13, 9, 15. Turn around time kya completion time minus arrival time. This is three, this is six, this is nine, this is three, this is seven. Waiting time is turnaround time minus first time. This is zero, this is one, this is five, this is two, and this is five, right?

तो अभी हमने इतना ही करा है अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दे रही हूँ प्लीज गो थ्रू द एक्सरसाइज द फर्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वुड रिजल्ट इन एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो देन हेयर यू कैन सी देयर आर द प्रोसेस एंड प्रायोरिटी अभी तक पिछले क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आए हैं यानी यू पीपल आर नॉट स्टार्टिंग उसको पढ़िए एंड देन यू हैव टू कंप्लीट दिस अब यहां पर आपको चार ज्ञान चार्ट बनाने हैं एक एफ के लिए एक एस के लिए एक नॉन प्रियमटिव प्रायोरिटी के लिए और एक आर आर के लिए हर एक प्रोसेस

और अगर अभी भी आपको डाउट होता है किसी भी चीज में किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछेंगे हमने बहुत तरह की शेड्यूलिंग करी है क्लास अभी और सारी तरह की शेड्यूलिंग में मैंने कोशिश करी है कि जितना आपको करवाया जा सके वो मैंने करवाया है मैंने हर चीज के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है हो सकता है कि आप अभी भी कोई क्वेश्चन में फंसे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ फंस रहे हैं देन यू हैव टू आस्क इट अगेन तो आपको फिर से ही वो चीज पूछनी है ठीक है हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है और हमने सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा है रिस्पॉन्स रेशो निकाला है रिस्पॉन्स रेशो का हमने यहाँ पर फॉर्मुला भी डिस्कस किया है किस तरीके से निकालना है तो ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पर रेफर करेंगे वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय द बर्स्ट टाइम तो वो हमने यहां पर लगाया वेटिंग टाइम यहाँ पर हमारा मेंशन नहीं था तो आपको पता है जब भी कंप्लीट हो रहा है कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम इज वेटिंग टाइम ठीक है तो अगर मैं पी की बात कर रही हूं तो हमने यहाँ पर निकाला फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर टू प्लस वन डिवाइड बाई थ्री और हमने यहां पर चेक किया है कि हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो किसका है उसी के अकॉर्डिंगली हम ज्ञान चार्ट बना सकते हैं फिर उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है क्लास प्रियमटिव प्रायोरिटी और नॉन प्रियमटिव प्रायोरिटी क्या होता है तो वहां पर प्रायोरिटी का भी रोल आता है और उससे पहले हम सिर्फ

Keep learning, keep sharing. Thank you for the day. Thank you.